गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम संतोष कश्यप एंड यू आर लर्निंग वर्ड पावर एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्रत्येक दिन एक नए क्लास, एक नए रूट वर्ड्स के साथ हम लोग आ रहे हैं, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे आज का रूट वर्ड है बिब्लियो. बिब्लियो मीन्स बुक होता है. जैसा कि जानते हैं इसे जो सबसे बड़ी बुक है बाइबिल, जो शब्द आया है बाइबिल. बाइबिल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, होली बुक. इट इज थॉट दैट ऑल द स्टेटमेंट, ऑल द प्रीच इज कलेक्टेड ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस बुक. सो दैट बाइबिल इज द बुक, इट इज होली बुक. इवन इट इज ग्रीक रूट वर्ड एंड बाइबिल मीन्स होता है बुक. रूट वर्ड ग्रीक है, प्रीफिक्स भी हो सकता है, जैसे बाइबिल यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में दिख रहा है, सफिक्स भी हो सकता है और यह बीच में भी आ सकता है. बाइब्लियो मीन्स बुक होता है. इसमें रूट वर्ड ट्री भी हम बना सकते हैं, यहाँ एक रूट वर्ड ट्री बना करके उसको हम लोग बना सकते हैं. चलिए बनाते हैं एक रूट ट्री, जो कि एक ट्री होगा और इसमें हम लोग रूट लिख देते हैं बिब्लियो. बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स बुक. अब यहां पर तमाम वर्ड्स हम लिख सकते हैं, ऑल द वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड बिब्लियो यहां पर लिखा जा सकता है एज बिब्लियोक्लास्ट. बिब्लियोक्लास्ट, क्लास्ट मीन्स जो तोड़ने वाला होता हो, जैसे आइकोना क्लास्ट. ये कहा गया है कि मोहम्मद गजनवी केम एंड ही ब्रोक द स्टेच्यूज ऑफ इंडियन डेटीज, लाइक द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा, स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड मेनी स्टेच्यूज ही ब्रोकन. दैट मीन्स ही वॉज आइकोना क्लास्ट, जो कि मूर्ति भंजक होता था. क्लास्ट यहाँ पर आया हुआ है. यहाँ पर हम लोग बाइबिल से रिलेटेड चीजें जानेंगे तो बिब्लियो क्लास्ट मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ बुक, यानी कि किताबों को नष्ट करने वाला, जो किताबों को नष्ट कर देता हो. ऐसा कहा गया है कि जो है मेनी मुस्लिम इन्वेडर केम टू इंडिया एंड डिस्ट्रॉयज द बुक्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को भी जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया. तो हम ये कह सकते हैं कि बिब्लियोक्लास्ट मेनी मुस्लिम इन्वेडर डिस्ट्रॉय द बुक्स, तो किताब को नष्ट कर देते हैं, किसी तरीके से नष्ट कर देते हैं, तो उसको हम बिब्लियोक्लास्ट कहते हैं. पुस्तक भंजक हिंदी में इसको कहा जा सकता है, कि क्योंकि जो किताबों को नष्ट कर देता हो, बिब्लियोक्लास्ट हो. बिब्लियोग्राफी, मेनी टाइम्स यू फेस दिस वर्ड बिब्लियोग्राफी. इट मीन्स लिस्ट, शेड्यूल ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची जो होगी बिब्लियोग्राफी कहलाता है, कि कौन किताब कब आई. बिब्लियोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिब्लियोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बिब्लियोग्राफी ऑफ कमला दास. इन दिस वे बिब्लियोग्राफी होता है, किस सन में आया, कौन सी बुक आई, उसकी लिस्ट बनी रहती है. नेक्स्ट वर्ड्स वी शैल डिस्कस हियर द बिब्लियोक्लैप्ट. क्लैप्टोज मीन्स स्टील, चुरा लेना होता है. रूट वर्ड अगर पहले से आप फेस किए होंगे तो क्लैप्टोज मीन्स होता है चुरा लेना. तो बिब्लियोक्लैप्ट जो व्यक्ति होता है, जो कि पुस्तक चोर होता है, थीफ ऑफ बुक्स, या जैसे कह सकते हैं वन हु स्टील्स द बुक्स, जो कि किताबें चुरा लेता हो, पुस्तक चोर को हम लोग बिब्लियोक्लैप्ट कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड उसी से रिलेटेड है, बिब्लियोक्लैप्टोमेनिया. मेनिया इज सफिक्स, मेनिया एक ऐसा सफिक्स है जो कि मैडनेस के लिए सेंस में आता है. मैडनेस मैंने पागलपन. तो बिब्लियोक्लैप्टिंग अनकंट्रोलेबल इसका होगा, अनकंट्रोलेबल
अनकंट्रोलेबल डिजायर टू क्लेप्टोस, देखिए इसमें भी आया क्लेप्टोस, क्लेप्टोस मीन्स चुरा लेना होता है, टू स्टील बुक्स, किताब चुराने की अतिशय इच्छा, चुरा ही लेते हैं, वो पढ़ता नहीं फिर चुरा लेगा, तो उसको जो है बेबलो क्लेप्टोमेनिया, वो जो है एक डिजीज है, एक कंट्रोल डिजायर है, इसमें हम जो बेबलो क्लेप्टोमेनिया कर देंगे तो वन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिजीज, इट मीन्स ही हैज टू अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील बुक्स इवन ही रीड्स आर डज नॉट रीड। आई थिंक बिब्लियो लेटर, लेटर लेटरी लेटरी एल एट यू आर लेटरी इज वर्शिपिंग, एक वर्ड आता है जो कि ये भी मूल शब्द है, बिब्लियो लेटर वर्शिपर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का पुजारी, पुस्तकों का पुजारी जो पूजा करता हो, पुस्तकों को पूजा करता हो, ऐसे यहां पर ट्रेडिशन है इन इंडिया, बुक्स आर वर्शिप्ड लाइक होली बुक गीता, होली बुक रामायण, होली बुक रामचरितमानस, मेनी होल बुक्स आर वर्शिप्ड एंड वन वर्शिप बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोलेटर एंड कस्टम ऑफ वर्शिपिंग बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोलेटरी, बिब्लियोलेटरी कस्टम इज दैट बिब्लियोलेटरी, यानी कि जो परंपरा है पुस्तकों की पूजा करने की उसको बिब्लियोलेटरी कहेंगे, वाई लगा देने से वह कस्टम के रूप में आ जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि अपने जो है प्ले विथ वर्ड्स इसको कहते हैं, प्ले विथ वर्ड्स शब्दों के साथ कैसे खेला जाए, किस तरह से नए शब्द क्रिएट कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है, इट इज द डिफरेंट थिंग्स एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग टीजीटी पीजीटी एंड सीजीएल मेनी मोर एग्जाम्स नेट सेट वट एवर यू आर स्टूडेंट ऑफ, यू हैव टू नो द प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स यू हैव टू नो द रूट वर्ड्स, यू हैव टू नो द सफिक्स ऑफ, हाउ कैन यू फॉर्म, हाउ कैन यू नो दैट विच काइंड ऑफ विच पार्ट ऑफ इट दे बिलोंग टू विद द एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग लेटर इंडिकेट्स विच काइंड ऑफ वर्ड, इज इट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन वट एवर यू हैव टू नो। तो बिब्लो लेटर हम लोग जाने, बिब्लोमेनिया मेनिया आई टोल्ड यू दैट मेनिया इज ए मैडनेस, मेनिया मीन्स होता है मैडनेस, पागलपन हो जाना, तो यहां पर जो है मैडनेस फॉर बुक्स, किताबों के लिए पागल, किताब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब तक किताब प्राप्त नहीं हो जाती है उसके बेचैनी रहती है, दिमाग में परेशानी रहती है, कभी कभी ये साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाता है, कई बार वो व्यक्ति वह लड़का वह पुरुष वह महिला स्वस्थ नहीं हो पाती जब तक उसके मन में मैनिया यानी कि बिब्लोमेनिया है, और वह जब दवा खाता मेडिसिन टेक करता तभी स्वस्थ नहीं हो पाता, ही डज नॉट गेट्स क्योर, तब उसे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है और वो सारी से पूछने के बाद बताता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम बिब्लोमेनिया, इट मीन्स ही इज बिब्लोमेनियक, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू द सेम बुक एंड ही विल गेट क्योर, तो इस तरह से बिब्लोमेनिया हो गया। बिब्लियोपोल, व्हाट इज बिब्लियोपोल, वन हु सेल्स एंड बाइज बुक्स, जो किताबों का व्यापारी हो, वह किताब खरीदता हो, किताब बेचता हो, उसको हम जो है बिब्लियोपोल कहते हैं। इट इज न्यू वर्ड फॉर यू, इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द एवर वर्ड्स, इट इज न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू शुड पंडर ओवर दिस वर्ड बिब्लियोपोल, वन हु सेल्स एंड बाइज बुक्स, जो कि वह किताबों को बेचता और खरीदता। नेक्स्ट वर्ड विल बी बिब्लियोफेज, इन द लास्ट वीडियो फेगस वी डिस्कस्ड, फेगस मीन्स वन हु ईट्स, तो फेज, फेज मीन्स जो खाता हो, बिब्लियोफेज, तो इसको हम जो है बुक वार्म,
बुक वार्म कहते हैं, बुक वार्म मैन भी हो सकते हैं, जिससे कोई किताब मिली जब तक वो पढ़ नहीं डालता है उसको, जो है एकदम चिंतन मनन कर नहीं जाता तब तक उसको उसको बेचैनी रहती है, तो उसको बिब्लियोफेज कहते हैं, बुक वार्म कहते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं, किताबी कीड़ा बुक वार्म होता है। बिब्लियोफोबिया इसके ठीक उल्टा हम देखते हैं, फोबिया इज अ रूट वर्ड, फोबिया मीन्स फियर, बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स, पुस्तकों से भय, किताब देखता है उसको डर लगने लगता है, उसकी पढ़ने की क्या स्थिति होगी जब किताब देखकर ही डरने लगता है, तो यह एक तरह के साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसमें कि वह किताबें देखकर के डरने लगता है, बिब्लियोफोबिया कहलाता है। और वह व्यक्ति जो है ये फियर ऑफ, देखिए फियर के बाद फ्रॉम ने लिखकर के ऑफ लिखा, बिकॉज फियर इज अ वर्ड दैट टेक्स प्रीपोजिशन ऑफ आफ्टर देम। बिब्लियोथेका द लास्ट वर्ड वी शैल डिस्कस हियर, द बिब्लियोथेका इट मीन्स, बिब्लियोथेका मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किताबों का संग्रह करते रहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स कैन बी फाइंड इन द लाइब्रेरी ऑफ बिब्लियोथेका। इन दिस वे वी डिस्कस सच ए वर्ड्स ऑन द रूट वर्ड बाइबल, वील डिस्कस द मोर रूट वर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. If you are new, you should subscribe my channel and you should like. If you like this video, you should like and share. Thank you so much.